नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और बिना किसी देरी के अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्लास 12th में, हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन डेरिवेटिव चल रहा था, जिसमें हमने हैलोजन का क्लासिफिकेशन कर लिया था, मतलब वर्गीकरण कर लिया था। तो अब जैसा कि आपको मालूम है, केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपको मैं पहले बता दूँ, गणित, अगर आपको गणित के कुछ प्रश्न हल करने तो आपको गिनती आनी चाहिए। ये सामान्य सी बात है कि अगर आपको गिनती आएगी, गिनती के बाद या कुछ बाद में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो भी अलग अलग टॉपिक आएंगे, तो आप गणित को आगे आसानी से पढ़ पाते हैं। उसी प्रकार अगर आपको कार्बनिक रसायन विज्ञान पढ़ना है, तो आपको जो भी आपके पास अभिक्रिया वगैरह कुछ यौगिक आएंगे, कार्बनिक यौगिक, उन सबके क्या होने चाहिए, आपको नाम करना आना चाहिए, यानी उनका नामकरण करना, नोमेनक्लेचर आपको उनका आना चाहिए, जो कि नोमेनक्लेचर है IUPAC का, ठीक है। तो आपने क्लास 11 में IUPAC पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको हर एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उस जो भी चैप्टर में जो है यौगिक, जैसे ये हैलोजन व्युत्पन्न का है, तो मैं आपको हैलोजन व्युत्पन्न का नामकरण करना एक आइडिया दे दूंगा कि इसका नामकरण कैसे करना। अगर आपको ये नामकरण करना आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो आप अभी सीख जाएंगे, नॉर्मल है, आपको जैसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको एक प्रारंभिक स्तर पर बता दूँ कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है। ये है IUPAC नामकरण, ये देखिए पहले सामान्य सा यौगिक है CH3 CH2 Cl, सीधा नामकरण पे आते हैं, उसके बाद अपने अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको ये नामकरण करना नहीं आएगा तो आपके लिए आगे किताब में बहुत कठिनाइयाँ आने वाली है, इसलिए आपके आगे कठिनाइयाँ ना आए, इसलिए आप इन नामकरणों को अभी सीख लीजिए। देखिए मैं नामकरण कैसे करता हूँ, जैसे देखिए हैलोजन व्युत्पन्न है, तो यहाँ पे सब हैलोजन दिख रहे हैं आपको, हैलोजन मतलब क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन लगाएंगे अगर आप, इसलिए ब्रोमीन भी लगा सकते हैं, क्लोरीन आपको मालूम है हैलोजन क्या होता है, हैलोजन आपसे कई बार के बारे में बताया था मैंने, देख लीजिए हैलोजन यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये देखिए ये रहा आपके सामने यौगिक CH3 CH2 Cl कार्बनिक यौगिक है। अब हमें इसका करना है नामकरण, तो इनका नामकरण का एक तरीका है जिसमें IUPAC नामकरण इनका होता है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, अगर सिंगल बॉन्ड हो, अगर डबल बॉन्ड है तो आपको मालूम है एल्केन की जगह एल्कीन हो जाता है, ठीक है, और बाद में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन हो जाता है, लगता है आपको इतना मालूम होगा, नहीं मालूम तो आगे उदाहरण आएगा तो मैं आपको बता दूंगा एल्कीन कब लगाना, आयन कब लगाना। अभी तो हम सब सिंगल बॉन्ड की बात करें, देखिए सब जगह सिंगल बॉन्ड दिखेगा आपको, तो आप पहले जो ये जो देखिए कार्बन इसमें लगे थे दो की दिख रही है आपको, दो की श्रृंखला और एक क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको नंबरिंग लेनी है 1 2 1 2 मैच 8, आपको मालूम पड़ गया कितने हैं, दो, और ये क्या है, क्लोरीन। तो इसका नामकरण करने से पहले आपको इसका नामकरण कैसे किया जाता है, देखिए जो आपके पास ये क्लोरीन है, इसको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक, क्रियात्मक समूह, ठीक है, क्रियात्मक समूह मतलब इसने कार्बन की श्रृंखला को क्रियात्मक कर दिया, यानी इसको क्रियाशील कर दिया है, ठीक है, इसलिए इसको क्रियात्मक समूह बोलते हैं, इसकी और भी परिभाषा है। तो ये देखिए क्लोरीन है क्रियात्मक समूह, क्लोरीन, जैसे देखिए हैलोजन का हेलो होता है तो आपको क्लोरीन का क्या करना है, क्लोरो, और ये कितने नंबर पर है, किस नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये एक नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आपको लिखना है 1 क्लोरो, ठीक है। यानी इसका नामकरण करने से पहले आपके पास जो क्रियात्मक समूह है हैलोजन में, उसका नाम पहले आएगा हैलोजन वाले का क्लोरो, और ये किस नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, आप मालूम है नंबरिंग कहाँ से दी जाती है, नंबरिंग हमेशा उस क्रियात्मक समूह से वाले कार्बन से, अगर हमें इसको एक नंबर दें दो नंबर तो ये गलत है, आपको एक नंबर इसको देना है, दो नंबर इसको देना है, क्योंकि इस एक नंबर से क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, ये IUPAC का नियम है, आप अभी जान लीजिए, जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा रहेगा ये क्लोरीन क्लोरीन, वहाँ से हमें क्या देना है, नंबरिंग करना है, स्टार्ट करना है। अगर मान लीजिए बीच में आता है तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे अभी बताऊंगा मैं आपको। तो ये देखिए क्लोरीन, ये देखिए 1 2, तो 1 क्लोरो नेट 8, और ये क्या सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो एथेन, अगर आपको ये आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप देख लीजिए 1 2 1 क्लोरो एथेन, ठीक है, ये इसका है IUPAC नाम, आपको ये नामकरण आना ही चाहिए, ठीक है,
1-chloroethane, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं किताबों में अपनी 11th क्लास में, अगर आप A1 देख लीजिए फिर आपको प्रैक्टिस करनी है इसमें IPSC में, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही क्या होगा अच्छा। उसके बाद देखिए, अब देखिए पहले क्लोरीन का था यहाँ, अब ये देखिए बीच में आ गया, तो अब इसका हम देखिए नामकरण कैसे करेंगे। अगर मैं इधर से 1, 2, 3 या इधर से 1, 2, 3 नंबरिंग किधर से भी दूँ तो क्लोरीन दो नंबर पर ही आ रहा, तो मैं किधर से भी नंबरिंग दे दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देख लीजिए 1, 2, 3 और कार्बन की श्रृंखला कितने की, 3 की श्रृंखला है, तो मैं एक प्रोब तो हो गई होगा। तो पहले देखिए सबसे पहले क्लोरीन को देखेंगे, क्लोरीन का क्या हम लगाएंगे, क्लोरो पूर्व लग्न क्लोरो, और ये कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, किस नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरो, और कार्बन कितने हैं 3, 2 प्रोपेन 2 क्लोरो प्रोपेन, यानी बहुत आसान चीज है, अभी आपको ज्यादा चिंता करनी नहीं है, बहुत ही सरल चीज है ये। फिर देखिए अगला वाला देखिए, अब इसमें देखिए कैसे हमें नंबरिंग करनी है, ये देखिए इसमें हमें सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का क्या करना है, चेन करना है कार्बन की, इसमें सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, ये वाली कार्बन की, ये 3 की श्रृंखला। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से देनी है, अगर आप इधर से दोगे 1, 2, 3 तो ये देखिए इधर 1 से इधर दे रहा हूँ तो क्लोरीन क्या होना क्रियात्मक समूह क्या है, जिस तरफ उस तरफ से नंबरिंग देनी जिस तरफ से सबसे पहले क्रियात्मक समूह है, तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग दूंगा 1, 2, 3 तो ये देखिए नंबरिंग मतलब सही दिए, एक नंबर पर क्लोरीन आया, मतलब मैंने अगर यहाँ से स्टार्ट किए नंबरिंग देना इसका और इसके पास में क्या जुड़ा क्रियात्मक समूह, इसका मतलब मैंने नंबरिंग का जो इसको एक नंबर दिया वो एकदम सही। और 2 नंबर पर ये देखिए एक मेथिल समूह, इसको मेथिल समूह बोलते हैं, CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं, ठीक है ना, ये अगर ये प्रतिस्थापित ग्रुप में हो इसको अगर मान आर हो कितनी भी लंबी हो तो उसको एल्किल बोल देते हैं, अगर यहाँ मान लीजिए 2 जुड़ा होगा तो एथिल बोल देंगे, 3 तो प्रोपिल, और आइसो वगैरह आपने पढ़ा होगा आइसो प्रोपिल टर्शियरी ब्यूटिल, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इसका देखिए नामकरण कैसे हो जाएगा, 2 में देखिए 1 क्लोरो, अब ये देखिए इसमें देखिए क्लोरो भी आएगा, पहले देखिए मैं आपको नंबरिंग से पहले बता दूँ, 1 क्लोरो आएगा, ठीक है, क्लोरो क्यों आएगा अभी भी मैंने बताया, क्लोरीन का ये पूर्व लग्न क्या, क्लोरो हेलो लगाना है, क्लोरीन का क्लोरो ब्रोमीन है तो ब्रोमो, ठीक है, क्लोरो और ये क्या है मेथिल, अब ये देखिए क्लोरो कहाँ से जरूर है सी से, मेथिल कहाँ से जरूर है और एम से, तो हमें पहले कौन सा देना है अल्फाबेट देखना है, सी पहले आता है अल्फाबेट में या एम पहले आता है, यानी आपके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला में सी पहले आएगा या एम पहले आएगा, सी पहले आएगा तो सी पहले आएगा, तो हमें पहले इसका मतलब हमें क्या है सी, ये क्लोरो वाला वर्ड शब्द पहले लिखना है, और क्लोरो कितने नंबर पर कार्बन से जुड़ा हुआ है 1, 1 क्लोरो, फिर बाद में क्या 2 मेथिल 1 क्लोरो 2 मेथिल और ये क्या है 1, 2, 3 प्रोपेन 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, कोई प्रॉब्लम है 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, और कुछ इसमें ज्यादा चिंता की बात है नहीं। अब मैं आता हूँ इस वाले पे, इस वाले में देखिए 2 क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, वो भी क्या है हेलोजन के जुड़े हैं, ठीक है, तो अब हम इनका नामकरण कैसे करेंगे, तो देखिए अब मैं देखिए ये 4 श्रृंखला है कार्बन की, ठीक है, तो इधर से नंबरिंग दो आप इसको 1, 2, 3, 4, तो देखिए इसका नाम, ये इसका नाम कहाँ से होता है ब्रोमो, ब्रोमो मतलब बी, क्लोरो मतलब सी, तो पहले नाम किसका आएगा ब्रोमो का आएगा, तो बी 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और कितना है 1, 2, 3, 4 फोर क्या बोलते हैं मेथ प्रो ब्यूट ब्यूट और सब सिंगल मोड तो इसको बोलेंगे ब्यूटेन। मैं आपको सामान्य स्तर पर एक बार वापस रिवाइज करा रहा हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो अब ये देखिए ये 4 सामान्य वर्ड है, ये देखिए एक क्या है CH3 और CL, तो ये देखिए तो 1 नंबर एक ही कार्बन है तो इसको हम लिखेंगे 1 क्लोरो मेथिल 1 क्लोरो मेथिल, ठीक है, ये देखिए इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH2, ये देखिए 2 क्लोरीन जुड़े हैं, इसका मतलब ये संरचना का इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 पे कितने जुड़े हैं 1, 2 क्लोरीन जुड़े हैं तो इसका क्या नाम हो जाएगा 1 डाई क्लोरो, 1 से 2 जुड़े हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 डाई क्लोरो, 1 ही है तो इसका नाम मेथेन 1 डाई क्लोरो मेथेन, ये नामकरण मैं आपको जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्योंकि बहुत ईजी है, और ये देखिए इसमें 3 जुड़े हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा ट्राई 1 ट्राई क्लोरो, अगर ये नॉर्मल हो तो इसमें 1 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सीधा लिख सकते हैं ट्राई क्लोरो
मेथेन, क्लोरो मेथेन, इसको एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है क्लोरो होम। इसको सामान्य नाम क्या है इसका? CHCl त्रिकोण क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। बहुत काम की चीज है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म याद रखना है। इसका सामान्य नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसका आप सामान्य नाम निकाल सकते हैं, मेथिल क्लोराइड। तो ये देख, इसका भी सामान्य, इसका भी क्या नाम हो जाएगा? 1111 टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो मेथेन, ठीक है। यानी एक से कितने चार क्लोरीन जुड़े हैं? तो 1111 टेट्रा क्लोरो, चार मतलब टेट्रा क्लोरीन जुड़े हैं क्लोरो, फिर ये एक ही कार्बन है जिसका मतलब मेथेन। इसका सामान्य नाम भी देख लीजिए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस प्रकार आपको सभी के अंदर आपके जो चैप्टर में आगे जो भी आएंगे यौगिक, उनका सबका आपको इसी प्रकार नाम लेना है। आपको नंबरिंग लेनी आनी चाहिए किधर से मेरे को नंबरिंग लेनी है। ये देखिए, ये मेथिल, मेरे को मेथिल अलग आगे तो नहीं लिख रहा हूँ, इसका आपको एल्फाबेट का ध्यान रखना है, नॉर्मल एल्फाबेट का। और ये देखिए, जैसे ये देखिए, अगर दो क्रिया मिक्स हो जाए तो पहले बी वाला आएगा फिर सी वाला आएगा। मैं टेट्रोब्यूटेन है, इसका सामान्य नाम एक याद रखिए, इसका नाम क्लोरोफॉर्म, इसका नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये बस ये नॉर्मल था, आपने एक दो और बता दूं एक, हाँ ये तो नॉर्मल था ही, एक दो एक थोड़ी एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ, ये नॉर्मल नामग्रेड की बात थी। ये देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है, मान लीजिए ये वाले समूह की बात करता हूँ, ये देखिए ए सी एच टू, मैं आपको सामान्य नाम बताऊंगा इसका, मेन तो अभी बेसिक नाम आप तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर एक दीजिए 1 2, ये नीचे से दो ऊपर से दो एक ही बात है, उसका क्या हो जाएगा? 1 2 डाई क्लोरो, वन टू डाई क्लोरो मेथ एथेन, 1 2 डाई क्लोरो एथेन, ठीक है। तो इसका देखिए सामान्य नाम क्या होगा, तो इसका सामान्य नाम हमें ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए किसी दो, मान लीजिए ऐसी स्थिति हो दो कार्बन का, ये उन दोनों के पास पास में क्या क्रिया जुड़ा हुआ होगा, तो हम इसको बोलेंगे एथिलीन, एथिलीन क्लोराइड, ठीक है, एथिलीन क्लोराइड। यानी अगर ये वाली स्थिति हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? एथिलीन, ठीक है, एथिलीन क्लोराइड। अगर मान लीजिए यही समूह है, अगर लेकिन इसमें एक से ही दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं कभी भी 1 2 3 4, ठीक है, CH3। अब ये देखिए उसमें क्या था, ऊपर वाले में और पास वाले में पड़ोसी पड़ोसी जुड़े हुए थे क्लोरीन, लेकिन इसमें क्या एक ही कार्बन से दो जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के हैलाइड को हम बोलते हैं जेम हैलाइड, ठीक है ना, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। ये सामान्य ज्ञान की बात है, आपको आप इस बार इसमें ज्यादा बताएंगे अलग से, लेकिन आपको बता देता हूँ, ये इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। आप इसका आईपीसी नाम भी आसानी से कर सकते हैं, आईपीसी नाम यहीं से नंबरिंग ये किसको मिलेगी, क्योंकि इसके क्या जुड़ा हुआ क्रियात्मक समूह ये दो, तो 1 1 डाई क्लोरो, 1 1 डाई क्लोरो एथेन, ये क्या है इसका आईयूपीएसी नाम। जबकि अब इसका सामान्य नाम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसका सामान्य नाम क्या था, ये एथिलीन क्लोराइड। अब इसका सामान्य नाम देखिए एथिलीडीन, एथिलीडीन, एथिलीडीन क्लोराइड। इस प्रकार आप नाम को बोलिए, चुपचाप मत रहिए, बोलिए इसका नाम क्या है। पहले आप आईयूपीएसी सीखिए, 1 2 डाई क्लोरो एथेन आपको निकालना था, 1 2 ये दो किस निकला है, दो क्लोरीन जुड़े हैं 1 और 2 पर, 1 2 डाई क्लोरो एथेन, इसका सामान्य नाम क्या होता है? एथिलीन क्लोराइड। और दूसरा क्या है? 1 1 डाई क्लोरो, इसको हम जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। अगर ऐसी स्थिति आ जाए, अगर एक कार्बन से दो क्रियात्मक समूह जुड़े हो तो उसको जेम बोलते हैं, जेम वाली स्थिति जेम डाई। अगर यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ इसलिए, यानी हेलोजन समूह जुड़ा हुआ इसलिए, बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। या इसका आईपीसी नाम क्या हो गया? 1 1 डाई क्लोरो एथेन। और ये है इसका सामान्य नाम एथिलीडीन क्लोराइड। ये क्या है? एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड, ठीक है। अब मैं एरिल वाला जो नाम रहना है, जो एरिल वाला जो आप पार्ट सॉल्व करें उससे पहले, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसके विघटन की विधि। विघटन की विधि का मतलब क्या होता है, हम इसके बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं हम इसके बनाने की विधियों पर, ठीक है।